नमस्कार डॉक्टर साहब, अभी जिसे बच्चे को बुखार है तो आप अभी क्या दे रहे हैं इसको? अभी बच्चा जो है आपका ये डिहाइड्रेटेड लग रहा है। हाँ, कोई ना कोई इसमें इन्फेक्शन लग रहा है। हाँ जी, थोड़ा डल है, डिप्रेस है। हाँ, इसकी हरकत बहुत कमजोर दर्शा रहा है अपने आप को। चलने फिरने में भी, इसकी चाल में भी परिवर्तन है। हाँ जी, हाँ। और इसके घुटनों में और वहाँ भी सूजन है। हाँ हाँ। तो अभी हम हाल फिलहाल इसको एक एंटीबायोटिक और साथ में ड्रिप दे रहे हैं ताकि इसका जो डिहाइड्रेशन है वो ख़त्म हो जाए। हाँ, और ये रिहाइड्रेट हो जाए। हाँ जी, एंटीबायोटिक के साथ में इसको एंटी इन्फ्लामेटरी और पेन किलर भी दे रहे हैं। हाँ, साथ में एक मल्टीविटामिन दे रहे हैं। अच्छा, ये कितनी कितनी मात्रा में दे रहे हैं? क्यों, जो हमारे नए हॉर्स लवर भाई हैं जी, उनको आपका अनुभव का उनको फ़ायदा मिले जी। तो जो हमने अभी एंटीबायोटिक इंटासेफ लगाया है, हाँ जी, उसकी डोज रेट तो 10 से 25 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट है। हाँ जी, और अभी हम हाल फिलहाल इसको बच्चे को 1 ग्राम एंटीबायोटिक इंटासेफ दे रहे हैं। हाँ जी, साथ के अंदर हम इसको रिंगर्स लैक्टेट जो RL है, हाँ जी, वो दे रहे हैं। हाँ जी, बोतल के अंदर। हाँ जी, यदि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो आप डेक्स्ट्रोज है, DNS वगैरह, ग्लूकोज वगैरह अवॉइड करें। हाँ जी, और उस टाइम पे अगर बुखार तेज़ है तो आप नॉर्मल सलाइन और RL से आप यूज़ कर सकते हैं। DNS उस टाइम अवॉइड करें। कैल्शियम वगैरह भी उस टाइम पे आप अवॉइड करें, चाहे गाय हो चाहे घोड़ा हो। तो उनको कैल्शियम वगैरह नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए बुखार के अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा। और डाइट तो बस जो अभी चल रही है वही नॉर्मल चल रही है? जैसे कि आपके स्टाफ से अभी इंक्वायर किया, बच्चे ने डाइट तो ली है। हाँ हाँ, बट थोड़ा डल है बच्चा। हाँ जी, हाँ तो जी। समय से, क्योंकि आपके यहाँ मैनेजमेंट अच्छा है तो आपने समय से पकड़ लिया, तो समय से इलाज शुरू हो जाता है, तो लापरवाही नहीं होती है, तो बीमारी बढ़ती नहीं है, और बीमारी का समय से इलाज हो जाता है तो जानवर जल्दी रिकवर कर जाता है, टूटता नहीं। हाँ जी, हाँ, थैंक यू साहब। और आप थोड़ा कुछ और, जैसे ये जो तकलीफ है अभी जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, ये वापस रिपीट करने की जरूरत है? बिल्कुल रिपीट करना पड़ेगा। जब भी आप एंटीबायोटिक यूज करते हैं तो उसको रिपीट करना आवश्यक। सीधा उसको सीधा रख, गर्दन सीधी रख। जब भी आप एंटीबायोटिक देते हैं तो एंटीबायोटिक का जो डोज है वो 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन देना ही चाहिए। हाँ जी, मैंने कई आपके हॉर्स लवर्स को देखा है जो एक ही दिन एंटीबायोटिक दे के रोक देते हैं जब फर्क आ जाता है। लेकिन एंटीबायोटिक आप अगर चालू करते हैं तो उसका कोर्स कंप्लीट करना बहुत आवश्यक है। हाँ जी, अगर हाँ आप जी। उसका कोर्स कंप्लीट नहीं करेंगे तो कई बार उस एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है और अगली बार जब वही बीमारी वापस आती है तो एंटीबायोटिक काम नहीं करता। हाँ जी, हाँ, ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।